पहले वाले क्लास में हम लोग 12 क्वेश्चन तक बना चुके थे। आइए आज 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 का ए है, मल्टीप्लाई करना है। दो नंबर दिया हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करना है, 751 को और 35 को। तो नंबर को 751 को हम ऊपर लिख लिए, 35 को नीचे। और जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 5 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 7 35 2 37, 3 1 3 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 7 21 22। और इसको जोड़ देते हैं। पहले क्लास में आप मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं, तो उसी तरह से उसको मल्टीप्लाई करना है। ये ऐसे दिया हुआ, इसको ऊपर नीचे नंबर को जो है ऊपर नीचे लिख करके आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से बी नंबर क्वेश्चन है, 1278 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। और एक और है सी नंबर, 594 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। एक चीज और, कभी भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना हो, 100 से मल्टीप्लाई करना हो, 1000 से मल्टीप्लाई करना हो किसी नंबर को, तो उसका एक शॉर्ट में जिसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब जैसे कि ये 594 है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 594 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा हमारा 594। और उसके बाद ये 3 जीरो है ऊपर, हम ये 3 जीरो डाल देते हैं आगे, तो हमारा ये जो है सो इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये जो है सो हम लोग एक ही बार में इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसलिए ये इस तरह का हम लोग टेक्निक यूज करते हैं। लेकिन आप इसको जैसे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करके करना है, उस तरह से आप लोग इसको कीजिएगा। आइए अब देखते हैं 14 का ए। इसमें क्या है, इसमें डिवाइड करना है आपको। एक नंबर दिया हुआ है, उसको 12 से डिवाइड करना है। आइए जैसे हम नंबर लिख लेते हैं और उसको डिवाइड करना किससे करना है, 12 से डिवाइड करना है। 12 5 60 8 4, फिर 12 का टेबल हम जो है सो तब तक पढ़ेंगे जब तक 84 नहीं आ जाए। तो हम देखते हैं कि 12 7 84 आता है, ये कैंसिल हो गया, ऊपर से उतरा 3 में जो है सो 3 12 से छोटा है, इसलिए फिर हम इसके आगे का अंक उतारेंगे, तो यहाँ 0 दे देंगे, आगे का अंक उतरा 6, 12 3 36 कैंसिल हो गया। तो ये डिवाइड है, इससे भी आप लोग परिचित हैं। ये एक हम आपके सुविधा के लिए बना दिए हैं। बी आपको 34332 डिवाइडेड बाई 52, उसको उसी तरह से आपको डिवाइड करना है। और सी में आइए इसी तरह से 72000 है, 60 से डिवाइड करना है, इसी तरह से आप लोग लिख लीजिएगा और तब उसको आगे डिवाइड कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 में कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 30। तो फैक्टर्स ऑफ 18 क्या हुआ, तो हम देखेंगे कि 18 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है कंप्लीटली। जितने भी नंबर से 18 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो सब 18 के फैक्टर होंगे। तो हम देखते हैं कि 18 1 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो उसका एक फैक्टर हो गया 1। फिर देखते हैं आगे बढ़ते हैं 1 से आगे 2, 2 से भी 18 डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, इसका मतलब 2 भी एक फैक्टर है 18 का। 3 से भी 18 डिवाइड हो जाता है, तो 3 भी एक फैक्टर हुआ। 6 से भी 18 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो 6 भी फैक्टर हो गया। उसी तरह 7 से नहीं होगा तो 7 फैक्टर नहीं है, 8 से नहीं होगा तो 8 फैक्टर नहीं है, आगे 9 से हो रहा है तो 9 भी 18 का फैक्टर है, और फिर उसके बाद 18 खुद 18 से डिवाइड हो जाएगा तो 18 भी एक फैक्टर हुआ। उसी तरह से आपको 30 का ऑल फैक्टर लिखना है, यानी कि 30 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है उन सारे नंबरों को लिख देना है, वो सारे नंबर्स 30 के फैक्टर हो जाएंगे। अब आप समझ गए कि फैक्टर क्या कहलाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 4, यानी 4 का 5 फर्स्ट 5 मल्टीपल पूछ रहा है। तो हम 4 का 5 तक जो है सो टेबल पढ़ेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16,
फोर फाइव जा ट्वेंटी। तो ये जो है 1 2 3 4 5, ये 4 के फर्स्ट 5 मल्टीपल हो गए। उसी तरह से फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 10, यानी 10 का टेबल हम 5 टाइम्स पढ़ेंगे और वो सारे नंबर्स को यहाँ लिख देंगे, तो वो जो है सो 10 के फर्स्ट 5 मल्टीपल हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCF निकालना है। HCF निकालना है कौन कौन से नंबर का? 12 और 16 का। तो HCF निकालने का दो मेथड है, एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको हम भाग दे करके निकालते हैं। तो आइए पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। इसमें बड़ा नंबर है 16, छोटा नंबर है 12, तो 16 को हम 12 से डिवाइड करेंगे। 12 वन जा 12, 6 माइनस 2 4, ये 1 कैंसिल हो जाएगा। अब फिर इस 4 से हम ये 12 को डिवाइड करेंगे, तो हम देखते हैं 4 3 जा 12, 2 2 ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ जो आया 4 जिससे 12 डिवाइड हुआ है, तो वो 4 जो है दोनों का HCF हो गया, 12 और 16 का HCF हो गया। इसको लिख देते हैं HCF ऑफ 12 एंड 16 इज इक्वल टू 4। इस मेथड को हम कहते हैं भाग देकर को जो निकालते हैं उसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। आइए एक और मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में 12 का जितना भी फैक्टर है, 16 का जितना भी फैक्टर है, वो सारे उसको हम निकालेंगे। अब देखिए 12 को जो है, 12 का सबसे छोटा नंबर 12 किससे डिवाइड हो सकता है? 1 के अलावा, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12। फिर ये 6 किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब 3 केवल 3 से ही डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ आगे बढ़ते हैं, 16 का भी उसी तरह से निकालेंगे। 16 सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिससे डिवाइड हो जाए? तो 2 है, 2 8 या 16। फिर हम 8 को डिवाइड करेंगे सबसे छोटे नंबर से, तो 2 4 जा 8। फिर 4 को हम डिवाइड करेंगे सबसे छोटे नंबर से, 2 2 जा 4। अब आइए 12 के लिए हम लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और 16 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 4 बार ये 2 2 2 2। अब आइए देख भी लेते हैं, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 आ गया। उसी तरह से 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 आ गया, वही लिख दें। अब हम देखेंगे कि ये दोनों में कौन कौन सा कॉमन है। तो हम देखते हैं कि ऊपर वाला 2 नीचे वाले में भी शामिल है, हम उसको घेर देते हैं। फिर यहाँ देखते हैं कि एक और 2 नीचे वाले में भी शामिल है, बस अब बाकी 3 इसमें शामिल नहीं है, ये 2 नहीं है। तो जितने भी कॉमन है इसमें, उसको क्या किए कि हम उसका एक एक लिख लिए, 2 इसका और इसका 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 2 2 जा 4। इस तरह से हम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालते हैं। अब आइए आपको निकालना है BHCF ऑफ 15 एंड 35। अब आप इसको किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालिए या फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए। किसी भी मेथड से निकालिएगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले हैं तो यहाँ भी आंसर हमारा 4 आया, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाले हैं तो यहाँ भी आंसर हमारा 4 आया। इसलिए आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, दोनों मेथड सही है। अब आइए LCM निकालते हैं, LCM ऑफ 8 एंड 12, यानी 8 और 12 का LCM निकालना है। देखिए 8 और 12 को हम यहाँ लिख लिए, अब उसको कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए? तो हम देखते हैं कि 2 है, 2 से हमारा 8 भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 4 जा 8, 2 से 4 टाइम्स अगर हम पढ़ते हैं 2 का टेबल तब 8 आता है, तो 2 4 जा 8। फिर 12 जो है
सो कितनी बार में डिवाइड होगा, 6 बार में, उसको हम 2 6 या 12 लिख दिए। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, जैसे ऊपर हम देख रहे थे कि कौन सा नंबर है जिससे 8 और 12 डिवाइड हो जाए, उसी तरह से अब हम नीचे देखेंगे कि कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिससे 4 और 6 दोनों डिवाइड हो जाए। तो फिर हमको 2 मिलता है, 2 जिससे कि 4 भी डिवाइड हो सकता है, 6 भी डिवाइड हो सकता है। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। आइए अब एक, अब ये 2 और 3 लास्ट में आ गया, तो ये केवल 1 के ही टेबल में आ सकता है 2 और 3, इसलिए इसको अब हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। आइए अब LCM कैसे निकालते हैं। देखिए LCM लिख दिए उसको, LCM ऑफ 8 एंड 12 इक्वल टू, अब ये 2, फिर ये 2 मल्टीप्लाई किए, फिर ये 2 मल्टीप्लाई किए, फिर ये 3 से मल्टीप्लाई किए। अब हम मल्टीप्लाई करने के बाद 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, ये हमारा 8 और 12 का LCM हो गया। उसी तरह से अब आपको निकालना है LCM ऑफ 18 एंड 45 का, 18 और 45 का LCM निकालना है। तो ये आप ऊपर बताए गए मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। आइए 19 नंबर एक क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। 13 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 इंटू 4। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले आइए इसमें सबसे पहले हम डिवाइड का काम करेंगे, डिवाइड का प्रोसेस करेंगे। तो बाकी सारे संख्या को इसी तरह से उतार देंगे, सारे नंबर को, यहाँ 13 है, 13 को हम यहाँ उतार दिए, प्लस प्लस साइन, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 या 6, ये 3 हम यहाँ लिख दिए। बाकी 5 इंटू 4 एज इट इज, जैसा है वैसे ही हम उसको उतार दिए हैं। फिर 13 प्लस 3 प्लस, अब हम मल्टीप्लाई का काम करेंगे। ध्यान में रहना चाहिए पहले हम डिवाइड का काम करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई का काम करते हैं, तब जो है सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पहले हम डिवाइड का काम किए हैं, फिर तब आगे जा करके मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो 5 4 20, अब ये सारे को हम जोड़ देंगे, 13 प्लस 3 16, और 16 प्लस 20 36। तो ये आपका सिंप्लीफाई के बाद ये आंसर हो गया। आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे।